हर किसी का ना अपना एक वजूद होता है, क्योंकि कोई आपसे बेहतर जरूर होगा, कोई समझदार भी होगा, पर आप जैसा कोई नहीं होगा। तो अपनी कदर करना सीखो। सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज आयुष्मान हियर, वेलकम टू ब्रांड न्यू वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग जाने वाले ब्रह्मगिरी माउंटेन पे। सो अभी जाते हैं, मैं आप लोग को एक्सप्लोर करता हूँ ब्रह्मगिरी माउंटेन कैसा है। एंड बहुत ऊपर है, पीक पर है। और तुम लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड हम लोग यहाँ पर थोड़ा स्ट्रीट फोटोग्राफी भी कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को सैंपल्स दिखा दूंगा स्ट्रीट फोटोग्राफी का। सो अभी जाते और देखते हैं, लेट्स बिगिन टू द वीडियो। सो गाइस, अभी यहाँ पर कुछ मॉर्निंग के 7 o'clock बज रहे हैं, सनराइज भी नहीं हुआ अभी तक, पूरा फॉगी है। तो अभी जाते और देखते हैं, लेट्स बिगिन। गाइस, हम लोग ने यहाँ पर अभी विंटेज कार देखा है, तुम लोग देख सकते हो। मैं आप लोग को एक बी रोल दिखा दूंगा विंटेज कार का, और भी यहाँ पर बहुत सारे प्लेसेस है। तो फिर अभी जाते हैं हल्लू हल्लू और सारे प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हैं, लेट्स बिगिन। से ब्रह्मगिरी का ऊपर जाने के लिए, और काफी थक गया मैं क्योंकि नींद हो रहा नहीं इतना अच्छी तरह। सो अभी चढ़ान करने को स्टार्ट करते। और मैंने आपको जो अभी फोटोज दिखा है वो सारे स्ट्रीट फोटोग्राफी के फोटोज है। एंड अभी जाते चढ़ान चालू करते, लेट्स बिगिन टू द वीडियो। मैंने टीका लगा लिया है, शिव भगवान के टेम्पल में जा रहे तो टीका तो इम्पोर्टेंट होता है। सो अभी जाते ऊपर, बहुत अच्छा दिख रहा है, कमेंट करके बताओ कैसा दिख रहा है। एंड चालू करते। इस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि इज इट ऑल वर्थ इट दैट वी वेंट थ्रू ऑल द ट्रबल। देन आई थॉट इट्स नॉट अबाउट डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट जर्नी दैट यू टुक टू रीच हियर। इट्स अबाउट द स्ट्रगल, यू नो दैट्स द रियल फन। वन आर बचा है, बहुत ज्यादा थक चुके हैं। आप लोग ने मेरा जूना ब्लॉग देखा होगा वैष्णो देवी का, सेम वैसी चढ़ाने यहाँ पर भी, बट उससे भी ज्यादा है। और मेरे कैमरा के एसेसरीज कैरी करते करते बहुत तंग गया मैं। सभी जाते हैं, व्यू तो बहुत अच्छा है क्योंकि हम लोग मॉर्निंग के टाइम पर आया, तो सनराइज का व्यू है यहाँ पे, तुम लोग देख सकते हो। सो सिनेमैटिक मोमेंट्स एंजॉय करो और चलते रहो। अभी जाते आगे, देखते और कितना दूर है, लेट्स बिगिन टू द वीडियो। यहाँ पर बैक साइड में एक टेम्पल है, वहां पर हम लोग ने विजिट किया। अभी और कुछ तो 15 से 20 मिनट्स रिमेनिंग है। सो अभी जाते, सनराइज हो रहा है और चढ़ान करते हैं, लेट्स गो। सो अभी बहुत ऊपर चढ़ाने, तुम लोगों को व्यू दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, ये देखो नीचे कैसा चढ़ाने है बैक साइड में मेरे, वैसा बहुत ऊपर तक चढ़ाने। यहाँ से कुछ हाफ एन आवर लगेगा जाने के लिए। सो जाते, बहुत गंदा चढ़ने के लिए ऊपर, तुम लोगों को व्यू दिखाता हूँ मैं। ये देखो बैक साइड में व्यू, और बंदर का भी बहुत ट्रिक्स है यहाँ पे।
ये व्यू है, थोड़ा इग्नोर करो और व्यू का एटमॉस्फियर लो। ये ले पानी। टेन टू फिफ्टीन मिनट रिमेनिंग है। यहाँ पे जो बंदर लोग बहुत हरासमेंट करते लोगों को, और अभी जाते हैं और देखते हैं। पूरा पीक है पहाड़ का, बंदर की वजह से बहुत रिस्क है यहाँ पे। स्वेट देखो कितना हो चुका है। पॉइंट है तो देखो, यहाँ पे पूरा नेचर ही नेचर है, और भी ऊपर मंदिर है। सो अभी और चढ़ान करने का है, फिर जाके बहुत थकने को हो गया है। और यहाँ पर बंदर लोग ना बहुत तंग कर रहे सब लोग को। ये देखो व्यू, यहाँ पे बहुत प्यारा वाला व्यू है। सो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहो तुम लोग, मैं तुम लोग को अच्छी तरह पूरा व्यू दिखाता हूँ। So let's go. क्लाइम करते और चलते रहते शिव गॉड का नाम लेते हुए। सो गाइस, तुम लोग व्यू देख सकते हैं, यहाँ पे फुल राजस्थान जैसा दिख रहा है। मेरे हिसाब से ना, जिंदगी एक बिल्कुल खाली किताब है जिसे भरने की जिम्मेदारी ऊपर वाले ने हम सबको दी है। तो अपनी अपनी जिम्मेदारी सच्चे और अच्छे मन से निभाओ। खाली 12 वर्ष तप केले, शंकर भगवानला प्रसंग केले, उमराच्या झाडाच्या मुळातून हा जन्म झाला। हीच गुप्त गुप्त खाली पुष्करच्या कुंडात गेली। पंचवटी, नाशिक, नांदेड, पैठण, आंध्र, राजमंद्री या ठिकाणी वेणीदान, वस्त्रदान, अन्नदान खननार्थी ओटी भरतात, पण आपण एवढं लांब भरू शकत नाही। म्हणून हातामध्ये गाय घेऊन हे गौदान करतात। ही दक्षिण भारताची गोदावरी आहे। हे तीर्थ प्यायला घ्या, कोण राहिलं कोण झालं हे पिऊन घ्या। बरोबर
मेरा, रेस्ट कर रहा हूँ मैं थोड़ी देर, फिर वापस से चढ़ता हूँ। सो तुम लोग ज़्यादा रिक्स मत लेना यहाँ पे, मैं तो बोलना चाहता हूँ क्योंकि मेरा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और दुख भी बहुत लग रहा है, तो प्लीज़ आराम आराम से उतरो और शूज़ पहन कर आओ फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड बहुत सेफली आओ। का ब्रह्मागिरी में दर्शन हो चुका है जस्ट वो बैक साइड में, और मेरा थोड़ा कुछ इशू हो गया था, मैं गिर गया था इसलिए मैंने कुछ इतना ब्लॉग बनाया नहीं है, और मेरे बैग में भी बहुत ज़्यादा काफ़ी पेन हो रहा है। सो गाइस तुम लोग इधर आते हो तो बहुत आराम से आओ क्योंकि बहुत रिक्स वाला है। देखो मेरा चप्पल भी निकाल दिया मैंने, मतलब टूटी गया वो कैमरा एंड सब कुछ। तुम लोग इधर आते हो तो बहुत आराम से आओ, इतना बोलना चाहता हूँ मैं। और अभी जाते हैं दूसरा दर्शन करते और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए। बैक साइड में मंदिर है वो गंगोत्री मंदिर है, और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मुझे। इसके लिए मैं ज़्यादा कुछ सिनेमैटिक शॉट्स नहीं दिखा पाया क्योंकि मैं बहुत वियर्ड तरीके से गिर रहा हूँ यहाँ से। और प्लीज़ मैं तुम लोग को 10 बार बोल रहा हूँ, आओगे तो बहुत अच्छी तरह आओ क्योंकि मेरा कैमरा एंड सेलफोन सबका नुकसान हो जाता, गोप्रो सब कुछ आज ख़राब हो चुका था, बट मैंने कैसे भी करके मैनेज किया है। सो अभी नीचे जाते हो गया यहाँ पे दर्शन, अभी शायद हम लोग शिरडी जाने वाले। सो अभी जाते और देखते, लेट्स गो। पीक है ऊपर का और अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं, और बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया क्योंकि मेरे बैग में इंजरी हो गई, वो भी जाकर डॉक्टर को दिखाता हूँ मैं। और एक लास्ट पीक है देखो वहाँ पर और एक यहाँ पर है, तो अभी नीचे उतरते और जाते, लेट्स गो चल। सो गाइस अभी लास्ट के 20 मिनट्स बचा है नीचे उतरते हुए, अभी हो गया हम लोग का उतर के ऑलमोस्ट, और सब कचरा जमा कर लिया हम लोग ने। सो गाइस मुझे एक चीज़ बोलना था तुम लोग से, अगर तुम लोग ट्रैवल कर रहे हो और कहाँ पर भी गंदगी करो मत, मतलब कैसा सबके लिए अच्छा होगा और एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा। सो मैंने सब कुछ देखो लेकर आ गया, सब सारे बॉटल्स और भी मेरे फ्रेंड्स है वो लोग ने भी साथ में लिया हुआ है, तो अगर हम लोग गिराएगी नहीं वहाँ पर बॉटल तो फिर ऐसा लेके भी नहीं आना होगा, तो इसके लिए सब लोग जो बॉटल्स है वो अपने साथ क्रश करके रखो, और उसके बाद जहाँ पर भी डस्टबिन दिखेगा तुम लोग को वहाँ पर तुम लोग डालो। सो अभी जाते, और मेरा बैग बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, बस इतना से बोलना था किधर गंदगी फैलाओ मत और नेचर को जैसा था वैसे ही रहने दो, लेट्स गो। सो अभी एंड करते हैं वीडियो को, एंड अभी हम लोग शिरडी जाने वाले हैं,
शायद पता नहीं अभी मैं क्या करूँगा क्योंकि मेरे बाइक में बहुत इंजरी, देखो मेरा चप्पल भी नहीं है, शूज सैंडल कुछ भी नहीं है, मैंने पूरा क्लाइंबिंग ऐसे ही किया विदाउट शूज। सो अभी जाते शिव गॉड का नाम लेकर, और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है बाइक में, तो फिर मैं बिग मेडिकल में जाकर बैंड ले लूँगा लगाने के लिए। सो देखते, पता नहीं अभी शिरडी का क्या करता हूँ मैं। सो जाते और देखते, लेट्स गो। तो फाइनली मैं नीचे पहुँच गया बहुत वियर्ड तरीके से। और सो गाइस प्लीज़, अभी तक तुम लोगों ने देखा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो और मेरे मिस्टेक्स बताओ क्या है। और वहाँ पर ऊपर वाले पीक पर गए थे हम लोग, अभी जाते देखता हूँ क्या करना है क्योंकि मेरा बैक काफ़ी ज़्यादा पेन कर रहा है। तो फिर मैं अभी शायद से डॉक्टर के पास जाऊँगा और अगर मेडिसिन लेके ठीक होता है तो फिर मैं आगे शिरडी कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो मैं रेस्ट करूँगा। सो देखते। सो गाइज अभी हम लोग त्र्यंबकेश्वर से एग्जिट कर रहे हैं, अभी शिरडी के लिए हम लोग जाने वाले हैं। सो गाइज पता नहीं मुझे अभी तक मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ मेरा बैक का जो इंजरी हो गया वो दिखाने के लिए। फिर अभी यहाँ से निकलते और शिरडी के लिए मैं ट्रैवल करने वाला हूँ अभी। तो देखते रहो तुम लोग, आगे का वीडियो कंटिन्यू करता हूँ मैं, मुझे जाना है क्योंकि आज लास्ट डे है मेरा यहाँ पर, फिर मैं कल घर पर चला जाऊँगा मेरे। सो अभी जाते हैं और देखते हैं, अगर मैं अच्छा रहा तो फिर मैं जाऊंगा, अगर डॉक्टर अभी देख तो क्या बोलता है तो फिर मैं वैसा करूंगा। सो लेट्स बिगिन, जाते और लास्ट व्यू, लेट्स बिगिन और लेट्स गो, जाते लेट्स गो। डॉक्टर के पास जाते हैं और देखते हैं वो लोग क्या बोलते हैं, दिखाता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है वो, और मुझे शिरडी में भी ट्रैवल करना है इसलिए मैं देखता हूँ क्या करूँ। देखते हैं, दिस इज लास्ट व्यू ऑफ त्र्यंबकेश्वर, ये लास्ट व्यू है, अभी मैं जा रहा हूँ, लेट्स गो।